नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। रीट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। निर्वाचन आयोग ने लेवल सेकंड की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के नियुक्ति की अनुमति दे दी है। लेवल फर्स्ट की भी उम्मीदें बढ़ गई है। जानते हैं पूरी खबर। पहली बार आने वाले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएँ, जिससे आपको समय पर ऐसी ही खबरें आपको मिल सकें। चलिए रुख करते हैं उस खबर का। राजस्थान में चल रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 की लेवल टू को लेकर एक बड़ी खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग ने वेटिंग लिस्ट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी नियुक्ति की अनुमति दे दी है। ये रिसफल और वेटिंग लिस्ट जो है वो पिछले माह जारी हुई थी और इसके आधार पर काउंसलिंग भी हो चुकी है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। निदेशालय द्वारा इस आशय की एक फाइल भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेजी गई थी तथा आयोग ने इन शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब विभाग इन शिक्षकों को एक या दो दिन में नियुक्ति दे देगा। गौरतलब है कि द्वितीय वरीयता सूची के आधार पर 5,681 शिक्षकों का चयन हुआ था, लेकिन आचार संहिता के कारण उनकी नियुक्तियाँ अटकी हुई थी। इसमें जिला परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल है जो विभिन्न शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में अभी उपस्थिति दे रहे हैं। आशा है कि निदेशालय इस संदर्भ में जिला परिषदों को इस मामले में अभी अभी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और निदेशालय के इस आदेश के बाद अब जिला परिषदों को सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि समस्त काउंसलिंग आदि प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आप यहां स्क्रीन पर निदेशालय द्वारा जारी वो आदेश देख सकते हैं जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उक्त आदेश जारी किए गए हैं। तो वाकई इन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम की वरीयता सूची का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी उम्मीद की किरण जाग गई है। इस अनुमति के बाद अब रीट लेवल प्रथम के शिक्षकों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है जो 4 अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगी तथा इसके बाद अप्रैल के सेकेंड वीक में रिसफल और वेटिंग की सूची जारी होने की संभावना है। फिलहाल हम संभावना जता रहे हैं, श्योर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस रफ्तार से काम हो रहा है उस रफ्तार से ऐसा हो सकता है। विभाग में 6,400 से अधिक पद लेवल प्रथम के अभी भी रिक्त हैं और अंतिम रूप से इनकी स्थिति 4 अप्रैल के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि विभाग जो है वो अलग अलग कैंप आयोजित कर अधिकारियों के उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा कलेक्शन करने में लगा हुआ है और ये कैंप जो है वो 27 से 4 अप्रैल तक हैं। 27 मार्च को ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 4 अप्रैल तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है, कितने जो है वो अयोग्य हैं या क्या अधिकृत पोजीशन है। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आती है हम आपको लगातार उपलब्ध कराते रहते हैं। इसलिए शिक्षा और रोजगार संबंधी समाचार लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएँ और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।